ठीक है भाई, मत सुनो, जब बात फैलेगी दूर तक जाएगी, समझ लेना। ठीक है भाई, मैं तो चला। एक मिनट धर्मेंद्र, कहाँ है शालू? चलो मिलवाता हूँ, उसका गमे हाल दिखाता हूँ, चलो। शालू, ये क्या तमाशा बना रखा है तुमने? क्यों कर रही हो ये सब? भूखे रहकर क्या साबित करना चाहती हो? देखो, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कम से कम ऑफिस का स्टाफ का तो ख्याल रखा होता, लोग क्या कहेंगे ये तो सोचा होता। छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया तुमने। जी जी सर, जी जी अभी आया मैं। जी सर, मैं सम्राट को भी बता देता हूँ। राइट सर, सम्राट सर का फोन है, केबिन में बुलाया है, मुझे भी और तुम्हें भी। चलो आता हूँ। देखो शालू, तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम्हारा ये बर्ताव मेरी समझ से बाहर है। मैंने अपना जन्मदिन नहीं मनाया, ये मेरी अपनी प्रॉब्लम हो सकती है। तुम उस बात को लेकर इतनी टेंस क्यों हो रही हो? तुम इस तरह करोगी, भूखी रहोगी तो लोग मेरे तुम्हारे संबंधों को लेकर गलत सोचेंगे, हमारे बारे में बात करके मजे लेंगे, सोचेंगे कि हमारे बीच जरूर कोई रिश्ता है। क्या तुम्हें ये अच्छा लगेगा? नहीं, पर मैं क्या करूं? मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूं। शायद मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ। शालू, मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं है, दोबारा मुझसे ऐसी बातें मत करना प्लीज। मेरी नजर में तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी सहकर्मी हो, एक दोस्त हो और कुछ नहीं। आपने बुलाया सर? वो धर्मेंद्र कह रहा था कि तुमने वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में लोड कर दिया है। जी हाँ सर, अब आप अपनी किसी भी जमीन की मिट्टी की रिपोर्ट उसमें फीड करेंगे तो उससे उस जमीन के स्टेटस का पता चल जाएगा। ओह गुड। और धर्मेंद्र, जरा शालू को भेजना। वो तो नहीं आएगी सर। नहीं आएगी क्यों? सर वो सम्राट से नाराज है सर, उसने खाना भी नहीं खाया। अरे ऐसा क्या हो गया? सर वो बड़े प्यार से इन जनाब के लिए केक लेकर आई थी, लेकिन इन्होंने ना तो खुद खाया और ना ही किसी को खाने दिया। केक? ये केक किस खुशी में भाई? सर आज सम्राट का जन्मदिन है। क्या हुआ सर, आप चौंक क्यों गए? हाँ
कुछ नहीं, ऐसे ही। वो क्या है कि मेरे एक करीबी का भी जन्मदिन आज ही है, इसीलिए। खैर, धर्मेंद्र। जी सर। ये फाइल तुम शालू को दे देना। राइट सर। और हाँ सम्राट। सर। वो मैं तुम्हें हाजीपुर की जमीन की मिट्टी का रिपोर्ट भिजवाता हूँ, तुम उसे चेक करके उस जमीन की रिपोर्ट मुझे दो। जी सर। एक मिनट सम्राट। जी सर। कुछ नहीं, जाओ। क्या बात है, क्यों बुलाया है आपने मुझे? अपनी माँ से पूछो। मुझसे? मुझसे क्या पूछना है? यही कि विवाह के 30 साल हो गए, पर आज तक तुमने मेरे पैर हाथ दबाए हैं? नहीं। अरे दबाना तो दूर, हाथ तक नहीं लगाया है। फिर ये कल की आई छोकरी में कौन सी बात हो गई है कि तुम उसकी इतनी सेवा करने लगी, उसके हाथ पैर दबाने लगी? बेवकूफ नहीं हूँ मैं। अरे बिना मतलब तो मैं किसी के आगे घास भी नहीं डालती। ये लड़की बहुत काम आ सकती है हमारे। देखा नहीं कैसे एक ही मिनट में प्रभाकर को रवाना कर दिया, शेर को भीगी बिल्ली बना दिया। हाँ तो ये मेरे भोले महाराज कि प्रभाकर और उसके परिवार से यदि कोई हमें बचा सकता है तो ये लड़की। माँ एकदम ठीक कह रही है, ये लड़की जब तक यहाँ रहेगी हम सुरक्षित रहेंगे उन लोगों से, और कुछ दिन बीत जाएगा तो वैसे ही सब कुछ भूल जाएगा वो लौंडा। और क्या? अच्छा तो बहुत भरोसा हो गया है तुम लोगों को उस लड़की पे, हुँ? पर तुम लोगों ने एक बार भी सोचा है कि वो लड़की ऐसा क्यों कर रही है? क्यों हम लोगों की वजह से प्रभाकर और उसके परिवार से दुश्मनी मोल ले रही है? अरे क्या फायदा है उसका है? अरे वो तो 2-4 दिन के लिए यहाँ आई है, फिर क्या जरूरत है उसको हमारे मामले में दखल देने की? अरे चुप कीजिए, खुद से तो कुछ होता नहीं है और दूसरों का किया बर्दाश्त भी नहीं है। उस लड़की को धन्यवाद देने के बजाय उसी में खोट निकालने लगे। माँ एकदम ठीक कह रही है, उस लड़की की वजह से हम लोगों का भाग्य बदल सकता है ना माँ? हाँ बेटा, ये लड़की इस गाँव में एक बहुत बड़ी जमीन लेकर फार्म हाउस खोलना चाहती है और 20-30 लाख रुपए लगाएगी वो इस काम में। 20-30 लाख? हाँ बेटा, उसका भाई अमेरिका में रहता है, बहुत पैसे वाले घर की लड़की है। तुम्हारे बाबूजी की तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, सही सोचने की जगह गलत ही सोचेंगे। मुंह मत बनाइए, मैं ऐसे ही नहीं उसकी सेवा कर रही हूँ। अरे मैं उसकी सहायता से अपनी नीलू का विवाह किसी ऊंचे खानदान में करूँगी जहाँ मेरी बेटी राज करेगी। फिर सपने देखने लगी हैं? यही तुम रूपा को भी लेकर सोच रही थी हैं कि उसकी मदद से नीलू का विवाह ऊंचे खानदान में कराऊंगी। क्या हुआ उसका अंजाम भूल गयी? लालच में आकर एक गलती कर चुकी हो, पूरी बिरादरी में बेइज्जती करवा चुकी हो, उसके बाद भी दूसरी गलती करने जा रही हो, पता नहीं क्या होगा। आप भाषण मत दीजिए, कुछ करके दिखाइए। काम के नकाज के दुश्मन अनाज के, दिन भर निकट्ठू की तरह घर में पड़े रहते हैं। बेटी की कोई चिंता है कि कैसे उसका विवाह होगा? खुद से तो कुछ होता ही नहीं और मैं कुछ कर रही हूँ तो बीच में टांग अड़ा रहे हैं। अरे आप अपनी बेटी के बाप है या दुश्मन? अरे रहने दो माँ,
इनको बोलने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हें जो सही लगे, उचित लगे, तुम वही करो। हाँ हाँ, मैं तो हमेशा ही गलत बोलता हूँ। अरे भुगतोगे तुम लोग, एक बार फिर से भुगतोगे तुम लोग। अच्छा माँ, ये लड़की क्या सही में 20-30 लाख रुपए खर्च करेगी इस गांव में? हाँ बेटा, वो खुद ही कह रही थी। क्या सोचने लगे बेटा? नहीं कुछ नहीं माँ। बेटा, तुम्हें ये लड़की कैसी लगी? बहुत अच्छी माँ, सब कुछ है इस लड़की में। सुंदर है, साहसी है और बहुत पैसे वाली है। अब और क्या चाहिए किसी लड़की में? हाँ बेटा, मुझे भी ये लड़की भाग गई है। अब तो मैं यही सोचती हूँ कि ये हमेशा के लिए इस घर में रह जाए। सच में माँ? हाँ बेटा, इस लड़की से तुम्हारा विवाह हो जाए ना, तो हमारे दिन फिर जाएंगे, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली है माँ। जब से इस लड़की को देखा है, मन में फिर से विवाह करने की इच्छा उबाल मारने लगी है। आखिर अकेला तो पूरी जिंदगी काटूंगा नहीं, किसी ना किसी लड़की से विवाह तो करना ही है, फिर ये लड़की क्यों नहीं? इससे अमीर लड़की आखिर कहाँ मिलेगी मुझे? बेटा, तुम्हें ना कैसे भी करके कोई चक्कर चलाकर इस लड़की को बहलाना है। कुछ ऐसा करो कि ये तुम्हें पसंद करने लगे, फिर मैं तुम्हारे विवाह की बात चलाऊंगी। माँ तुम चिंता मत करो, मैं कैसे भी करके इस मछली को अपने जाल में जरूर फंसाऊंगा। एक बार विवाह हो गया ना माँ, फिर तुम देखना, तुम्हें मैं सोने के गहनों से लाद दूंगा। श्रद्धा, श्रद्धा भाई, आज मैं बहुत खुश हूँ। वो तो चेहरे से ही दिखाई दे रहा है, पर ये खुशी किस बात की है? बताऊंगा, पर एक बात और, मैं ना तुम्हें एक सरप्राइज देने वाला हूँ। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज, बताइए ना। बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा, वो भी जल्दी। देखो तो कौन है, कहीं सरप्राइज तो नहीं आ गया क्या? आओ बेटा। सम्राट, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे सॉफ्टवेयर की वजह से एक बहुत बड़ा टेंडर मेरी कंपनी को मिला है। अच्छा, इसीलिए आप इतने खुश हैं? हाँ श्रद्धा, एक बहुत बड़ा सरकारी टेंडर निकला था, जिसे कम लागत में कम समय में पूरा करके देना था। शहर के नामी ग्रामीण बिल्डर्स ने टेंडर भरा था, लेकिन टेंडर मिला मेरी कंपनी को, सिर्फ और सिर्फ सम्राट की वजह से और इसके सॉफ्टवेयर की वजह से। थैंक यू सम्राट, थैंक्स। सर, मुझे इस तरह धन्यवाद देकर शर्मिंदा मत कीजिए। मैंने तो कंपनी के प्रति मेरा जो फर्ज है बस वही पूरा किया है। मैं जानता हूं श्रद्धा, तुम्हारी वजह से आज ये हीरा मेरी कंपनी में है। सर, आपने मुझे यहाँ घर में बुलाया है, कुछ काम था? हाँ, एक तो तुम्हारे साथ ये टेंडर मिलने की खुशी बांटनी थी, और दूसरा तुम अभी मेरे साथ साइट पर चल रहे हो जमीन देखने।
श्रद्धा, मैं तैयार होकर आता हूँ। सुनिए, आप इतने खुश क्यों थे? इस बात का पता तो चल गया, पर वो सरप्राइज कहाँ है जो आप मुझे देने वाले थे? सरप्राइज मिलेगा, वो भी मिलेगा। धीरज रखो, थोड़ा सा धीरज रखो। बेटा, ये तुम्हारे काम से बहुत खुश है, ये जानकर तुम्हें भी तो खुशी हो रही होगी ना? माँ जी, मुझे असली खुशी तो तब होगी जब मैं अपने माँ बाप को ढूंढ लूंगा, और मुझे विश्वास है कि भगवान जल्दी ही मुझे उन लोगों तक पहुंचने का रास्ता दिखा देंगे।